नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम इकाई दो ईदगाह के बारे में पढ़ाई करेंगे। हमने ईदगाह इकाई में हामिद की थोड़ी सी कहानी को देख लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हामिद ईदगाह गया, वहाँ से अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीद कर लाए। फिर जब वह मेले से घर लौटे, 11 बजे गांव में हलचल मच गई। सारे लोग ईदगाह से वापस आ गए। मोहसिन की बहन जब उसको देखती है तो दौड़कर उसके पास आई और मोहसिन के पास जो भिस्ती था उस भिस्ती को उसने उससे छीन लिया। उसके भाई के हाथ से उसने भिस्ती को छीन लिया। फिर वो भिस्ती को देखकर इतना खुश हो गई कि वो उछलने लगी और जब वो उछलती थी तब उसके हाथ से वो भिस्ती छूट गया और गिर गया, फिर चूर चूर हो गया। अब मैं बात करती हूँ नूरे के वकील के बारे में। उसका अंत तो बहुत ही गौरवमय हुआ। उसने अपने नूरे को वकील से बहुत प्यार था और जब उसने उस वकील को खरीदा था तब उसको वो बहुत ही प्रेम करता था, उसे वो बहुत ही पसंद था। नूरे के वकील का अर्थ ज्यादा गौरवमय है। वकील जमीन पर नहीं बैठ सकता, इसीलिए नूरे ने दीवार में दो कुटिया गाड़ी गई। दीवार में उसने दो कुटिये को गाड़ दिया। फिर उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा। लकड़ी का एक बड़ा सा पटरा था, वो उसने उस पर रख दिया। फिर उस पर कागज का कालीन बिछाया। फिर उस पटरे पर उसने एक कागज का कालीन है वो उस पर बिछा दिया। फिर हम देखते हैं कि पंखे की हवा भी आनी जरूरी है और वह सिंहासन पहले उसने तैयार किया। फिर उस वकील को उस सिंहासन पर उस राजा भोज की तरह उसे बिठाया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गए। जब वह पंखे की हवा दे रहे थे, नूरे ने उस पंखे की हवा दे रहा था, तब वह हवा से या उसे पंखे की चोट लगी वह पता नहीं चला, लेकिन वकील साहब स्वर्ग लोक से सीधा मृत्यु लोक में आ रहे। अब हम देखते हैं कि वहां दोनों स्वर्ग लोक सीधा गए। मोहसिन का भिस्ती भी चूर चूर हो गया और नूरे का क्या था? नूरे का क्या था? वकील भी गिर गया और वो भी मृत्यु लोक में चला गया। अब बारी आती है हामिद की। अब हम जानते हैं कि हामिद का क्या हाल है। हामिद को देखकर उसकी दादी अमीना बहुत ही खुश होती है और वह उसे देखकर कहती है, यह क्या, मेरा बच्चा क्या लाया? मेरे लिए चिमटा लाया। और वो उसके लिए चिमटा लाकर जब देखा तो वो बहुत ही खुश हो गई, उसकी आंख में आंसू आ गए। पहले वो बहुत ही क्रोधित थी कि वो कुछ भी खाए पिए बिना इतनी तेज धूप में चलकर आया, कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं और सिर्फ जो खर्च किया वो भी मेरे लिए किया, उसकी दादी ऐसा सोचती थी। और उसने जब चिमटे को देखा तब उसने हामिद को अपनी गोद में लिया और बहुत ही लाड प्यार करने लगी। अमीना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। हामिद को वो दुआएं देती जाती थी कि मेरा बच्चा बहुत ही आगे बढ़े और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। यह इकाई हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। नमस्कार।